मोदी की सभा में चलते हैं। जालौन के उराई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हो रही है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव किसकी सरकार बने या किसकी न बने, इतना सीमित उद्देश्य के लिए ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव कौन मंत्री बने, कौन मुख्यमंत्री बने, कौन विधायक बने, कौन न बने, सिर्फ उसका फैसला करने के लिए नहीं है। बुंदेलखंड के लिए ये चुनाव एक बहुत बड़ा फैसला है। बुंदेलखंड को तय करना है, ये सपा बसपा से चक्कर से निकलना है कि नहीं निकलना है, ये सपा बसपा ने जो मुसीबतें डाली हुई है उस मुसीबतों से बाहर आना है कि नहीं आना है। पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की हालत खराब है, उत्तर प्रदेश में भी सबसे बुरा हाल अगर किसी का है तो ये बुंदेलखंड का है। भाई, और ये इसलिए नहीं है कि बुंदेलखंड के लोगों में दम नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि बुंदेलखंड की मिट्टी में ताकत नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि बुंदेलखंड के पानी में ऊर्जा नहीं है। भाइयों बहनों, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से आपने उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकारें बनाई है जिन सरकारों ने, उन नेताओं ने, उन मंत्रियों ने, उन मुख्यमंत्रियों ने, उन विधायकों ने आपको तबाह करके रखा हुआ है। भाइयों, और इसलिए सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सभी एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू है, एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, अब बुंदेलखंड को किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है, मेरी भी मत मानिए। आप अपने आत्मा से पूछो कि क्या आपके साथ अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको उपेक्षित रखा गया है कि नहीं रखा गया, आपके हकों को छीना गया है कि नहीं छीना गया। क्या भाइयों बहनों, आपके साथ हर पांच साल जो भी आया आपको लूटता रहा, आपकी गिनती ही नहीं, उनको तो लगता है कहीं और से सीटें ले आएंगे, यहां के लोग कहां जाएंगे, उनको तो दबोच के रख देंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आपको वादा करती है, भारतीय जनता पार्टी आपको वादा करती है कि अब उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी उसमें बुंदेलखंड की आवाज को सुनने की व्यवस्था होगी। भाई,
उनकी समस्याओं के समाधान के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक स्वतंत्र बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री के दफ्तर में ही उसकी निगरानी की व्यवस्था की जाएगी, वीकली उसका हिसाब मांगा जाएगा, साप्ताहिक रूप से हिसाब मांगा जाएगा। भाइयों बहनों, ये बसपा पार्टी, आप मुझे बताइए, आज ये बसपा पार्टी कहां से कहां पहुंच गई? आपको मालूम है, जब 8 नवंबर रात को 8 बजे टीवी पर आकर के मैंने कहा कि बड़े बड़े लोगों ने जो गरीबों को लूटा है, वो 1000 की नोट हो या 500 की, उनको गरीबों को लौटानी पड़ेगी। ये सपा और बसपा एक दूसरे के जानी दुश्मन है कि नहीं है? सपा एक कहे तो बसपा दूसरा कहे कि ना कहे? सपा कहे सुबह है तो बसपा कहे रात है, ऐसा है कि नहीं है? सपा कहे पूरब जाएंगे तो बसपा कहे पश्चिम जाएंगे, ऐसा है कि नहीं है? एक दूसरे के घोर विरोधी है कि नहीं है? लेकिन मैं हैरान था जब मैंने नोटबंदी की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, काले धन वालों का हिसाब मांगा, तो सपा बसपा कांग्रेस सब इकट्ठे हो गए और सबके सब एक ही भाषा बोलने लग गए। और इन नेताओं ने तो क्या कहा? बहन जी ने तो कहा कि पूरी तैयारी नहीं की थी, सरकार ने नहीं की थी कि आपने नहीं की थी? उन्होंने कहा एक सप्ताह दे देते तो फिर बहुत हमारा विरोध नहीं था। ये सप्ताह किसके लिए भाई? ये बीच में सप्ताह की क्या जरूरत थी? मुलायम सिंह ने भी यही कहा, अरे भाई पहले घोषणा करनी चाहिए थी, लोगों को तैयारी करने का मौका देना चाहिए था और उसके बाद लागू करना चाहिए था। अगर उसके बाद लागू करता तो ये नोटें बैंक में आती क्या? आती क्या? पूरा खेल खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता? लूटने वाले लूट के चले जाते कि नहीं चले जाते? उनको नोटबंदी से ज्यादा परेशानी इस बात की है कि तैयारी करने का मौका नहीं मिला। भाइयों बहनों, और रातों रात बैंकों में धनाधन पैसे जमा होने लगे। और फिर चिल्लाने लगे कि चुनाव आता है तभी मेरे भाई का हिसाब क्यों खोला जाता है, चुनाव आता है तभी बीएसपी ने 100 करोड़ रुपया जमा किया तो उसकी चर्चा क्यों हो रही है? अरे बहन जी, चुनाव आया इसलिए चर्चा नहीं हो रही है, आपने नोटबंदी के बाद अभी अभी जमा किया इसलिए चर्चा हो रही है।
भाइयों बहनों, अब तो बीएसपी का नाम ही बदल गया है, अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है, बहुजन तो सिर्फ बहनजी में समेट गया। अक्षर वही है, जगह बदल गई, अब वो बहन बहुजन बहनजी बन गया और पूरी पार्टी बहनजी संपत्ति पार्टी बन गई। आप मुझे बताइए, जो अपने लिए धन जमा करते हैं वो कभी आपका भला करेंगे क्या? आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनको आपने देख लिया है, परख लिया है, 70 साल के बाद भी पीने का पानी तक नहीं दे पाए, क्या उनके भरोसे आगे भी आपकी गाड़ी चलेगी क्या? हिम्मत के साथ सपा बसपा कांग्रेस को पूरे बुंदेलखंड में से चुन चुन करके साफ कर दीजिए भाइयों बहनों, उनको ऐसी सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए